दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। झारखंड में एक बार फिर 59 सीट हासिल करके इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाई। हेमंत सोरेन ने शपथ लिया मुख्यमंत्री पद की, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया था। लेकिन कल फिर एक बार शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें 11 मंत्री इंडिया गठबंधन के शामिल किए गए। उसमें 4 आदिवासी वर्ग के, ओबीसी वर्ग के 3, अल्पसंख्यक वर्ग के 2 और एससी और समान वर्ग के 1-1 मंत्री बनाए गए। क्षेत्रीय इलाके का भी ध्यान ज्यादातर रखा गया। अब इस चुनावी जोड़ तंगड़ में जहां एक और जयराम महतो कुर्मी की पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होना, फिर इंडिया गठबंधन का सीट 59 सीट 81 में लाना बड़ी बात हो गई, और भाजपा का प्रहार को देखते हुए जीत हासिल करने के बाद इंडिया गठबंधन ने जो समीकरण बनाया और जिस तरह से चुनाव लड़ा और लड़ने के बाद जो जीत हासिल हुई, इसमें भागीदारी सभी पार्टी को दी गई। 6 मंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा से बनाए गए, 4 मंत्री कांग्रेस से बनाए गए और 1 मंत्री राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बनाए गए। पिछले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने 1 सीट जीता था, इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने 4 सीट जीता। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं आपको कि 4 सीट में 1 संजय यादव को बनाया गया मंत्री, जो गोड्डा से 3 बार विधायक बने, 2 बार पहले बने, इस बार फिर 1 बार विधायक गोड्डा के बने संजय यादव, जिनके भाई मनोज यादव बांका बेलहर के विधायक हैं जदयू के। पूर्व में वो एमएलसी भी मनोज यादव रह चुके हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक है और लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी और बहुत ही नजदीकी कहे जाते हैं संजय यादव। संजय यादव बांका के विधायक चुने गए, पहले भी 2 बार चुने गए, और बांका ढाका मोड़ के निवासी हैं संजय यादव। संजय यादव के मंत्री बनने के बाद बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी जा रही है। अच्छे अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को गोड्डा में हराने का काम संजय यादव किया। संजय यादव पर बाहुबली होने का भी आरोप लगता है कि वो बाहुबली हैं, क्योंकि उनके भाई भी विधायक हैं, एमएलसी भी भाई रहे, परिवार के लोग जिला परिषद अध्यक्ष भी रहे और स्वयं भी वो विधायक रहे। और दबंग या ढाका मोड़ के संजय यादव दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति माने जाते हैं। कई आरोप उन पर लगा और संजय यादव जमीन संबंधी भी विवाद उन पर चला। जमीन दखल करने का भी मामला संजय यादव और उनके परिवार पर आरोप लगा, जो सूत्र के हवाले से जानकारी मिली। दबंग होना यानी हर तरह का काम वो कर सकते हैं, तो मंत्री बन गए। तो बिहार के बांका के रहने वाले बांका के लोगों को आश्चर्य हुआ कि संजय सिंह यादव जो हुसैनाबाद के विधायक है, वो भी 3री बार विधायक बने, उन्हें न बनाकर संजय यादव को बनाया गया जो लालू जी के करीबी हैं। तो करीबी लालू जी के हैं और बांका रहने वाले हैं ढाका मोड़ के, और उन्हें बनाया गया तो आश्चर्य लोगों को लगा। लेकिन अब बिहार के राजनीतिक समीकरण को जोड़ते हुए, चूंकि अगले साल विधानसभा का बिहार में भी चुनाव है, उस समीकरण को जोड़कर अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल ने कुछ नया खेल रचा होगा कि संजय यादव के मंत्री बनने से जो गुड्डा से सटे बांका सहित अन्य जिले में राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव में कुछ फायदा असर हो। जो भी हो, लेकिन जो रोचक बात थी कि संजय यादव जो गुड्डा के रहने वाले विधायक हैं और बांका ढाका मोड़ के रहने वाले हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया गया। 11
मंत्री बनाए गए जिसमें नए चेहरा 6 नए चेहरा है, 5 पुराने चेहरे पर भरोसा जताया गया। और यह मैं बता दूं कि हेमंत सोरेन ने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देकर अपने और अपने पार्टी और महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के मान को बचाने का काम किया, जबकि हेमंत सोरेन को जेल भी जाना पड़ा था और तरह तरह के आरोप लगे थे, लेकिन जनता ने भरोसा जताया और काम पर वोट दिया और हेमंत सोरेन ने अब फिर से एक बार सरकार संभाल ली है, मंत्रिमंडल का गठन हुआ और अब वो फिर एक बार सही तरीके से सरकार चलाने में सफल होंगे, यही उम्मीद लोगों की है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।